अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाफिज़ सदर आलम आ गया हूँ एक आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। दोस्तों, आपने एक इतिहास की में ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि 2.5 दिन में बनने वाला वो किला जो आधा अधूरा है, उसी किले को हम लोग घूमने आए हैं जो अजमेर शरीफ की धरती पे पड़ता है। आइए उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उसका मेन गेट है दोस्तों, ये अंदर का मेन गेट है दोस्तों, और ये उसकी तरफ की दीवारें हैं दोस्तों, दीवार। ये देखिए कोई नज़ारा है, ये दीवार है दोस्तों। ये देखिए कुछ जितना काम 2.5 दिन में हुआ था दोस्तों, उसी पे काम किस वजह से बंद हो गया, ये तो ये इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, इसकी तारीख पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये काम क्यों रुक गया। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसकी नक्काशी की गई है दोस्तों, सेम जो है ये जो दिल्ली का लाल किला, ताजमहल और आगरा का आगरा, दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किला, आगरा का ताजमहल, उसी तरीके से इसकी भी नक्काशी की गई है। वही कारीगर शायद इसको भी बनाया है दोस्तों। ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसकी भी नक्काशी की गई है। आप लोग देखते रहें, मैं एक एक चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जो यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग अजमेर में इबादत के गर्ज़ से आते हैं, अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए आते हैं, कुछ दुआएं करने के लिए आते हैं, कोई आरज़ू या कोई ख्वाहिश रहती है उसको अजमेर की सरज़मीन पर लेकर आते हैं, अर्ज़ी डालते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज हमारी आरज़ू को, हमारी दुआओं को कबूल करिए। ये सारी देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, ये देखिए पत्थर का ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ही ये किला है, पहाड़ को काट काट करके ये दीवारें तैयार की गई हैं दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो ले रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा, और ये किले का अंदर का नज़ारा है दोस्तों। ये इसके अंदर की तस्वीर है दोस्तों, चार दीवारी के अंदर की तस्वीर है, और इसकी तस्वीर में थोड़ा सा पीछे आ गया। ये देखिए कितना तस्वीर बना, और इस पे जो है अरबी की आयात लिखी हुई है, और बारीकी बारीकी नक्काशी की गई है। ये इसका पूरा व्यू है दोस्तों, ये मैं शुरू से दिखाता हूँ। ये यहाँ से आइए दोस्तों, इसके अंदर वाली तस्वीर आपको दिखाता हूँ, और जो नक्काशी की है वो नक्काशी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अरबी की आयात लिखी गई है दोस्तों, मोबाइल को ये ऊपर की नक्काशी है दोस्तों। यहाँ पे बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं अजमेर की धरती पर। अजमेर मज़ार से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े से करीब में है, और यहीं से आप बगल में जो आप सामने वो पहाड़ी देख रहे हैं दोस्तों, उस पहाड़ी पे तारागढ़ है, वहाँ पे मीरा शाह, सैयद मीरा शाह का मज़ार है,
वो काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी लंबा रास्ता दोस्तों। अभी वहाँ से मैं आया हूँ लेकिन उसका जो है वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए कि लगभग दो घंटे से ढाई घंटा हम लोगों को चढ़ने में लगा और दो घंटा तीन घंटा हम लोग उसके अंदर रहें और इसके बाद दो घंटा उतरने में लगा, इसलिए कि वीडियो जो है एडिट हम नहीं करते हैं दोस्तों, तो इसीलिए जो है कि मोबाइल से वीडियो बना के डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, इसी कारण जो है वीडियो जो है हम नहीं बना पाएँ। और ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो अभी इन सब चीज़ों को नहीं देखे हैं, नहीं मोबाइल से तो देखे होंगे लेकिन यहाँ पे आके नहीं देखे हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें ढाई दिन के झोपड़े में हैं। ये देखिए चीज़ें हैं, ये गेट है ये भी अधूरा है, वो दीवार है वो भी अधूरी है, उधर देखिए वो सामने का हिस्सा है और इसका देखिए मेन व्यू ये हिस्सा है, ये सामने से ऐसा दिखता है दोस्तों। आप लोग देखिए कितनी भीड़ लगी हुई दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग यह तस्वीर खिंचा रहे हैं, दोस्त यार परिवार सभी के साथ यहाँ पे लोग आते हैं और इसको देखने के बाद जो है वो तारागढ़ जाते हैं, तारागढ़ जाने के बाद आना सागर जाते हैं, आना सागर के बाद जो है वो दीगर जगहों पे जो उनके वक्त के हिसाब से टाइम के हिसाब से रहता हो उसके पास जाते हैं दोस्तों। ये इसका मेन गेट है दोस्तों, इसी से लोग इसमें एंट्री करते हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा है, ये बाहर का खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, ये देखिए ऊपर पहाड़ी पे है वो भी नज़ारा है, ये देखिए इसका गेट है दोस्तों, यहीं से लोग एंट्री करते हैं। यही है दोस्तों ढाई दिन का झोपड़ा, इसी को ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं कि ढाई दिन में ये यहाँ तक तैयार हुआ था, सिर्फ इसको बनने में दोस्तों ढाई दिन का ढाई दिन लगा। देखिए इसके अंदर की तस्वीर है दोस्तों। वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।